डलहौजी के गांधी चौक सुभाष चौक सड़क मार्ग पर सुबह सवेरे भारी बारिश से सर्किट हाउस के समीप एक विशाल ओक ट्री गिरने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। घटना के समय किसी तरह की आवाजाही नहीं होने के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई, जबकि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पेड़ ही पेड़ होने के कारण सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद उपाध्यक्ष, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जय मौके पर पहुंचे। नगर परिषद के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12:30 बजे मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। कल रात भारी बरसात की वजह से ये सर्किट हाउस के पास एक काफ़ी बड़ा पेड़ था, ग्रीन था, तो ये गिर गया है और उसके साथ ही 2-3 छोटे पेड़ भी गिरे हैं। और अभी सुबह से नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पे, ये इस वजह से हमारी रोड भी ब्लॉक है, तो हम लोग लगे हुए हैं। पहले तो रोड क्लियर करेंगे और साथ ही और भी कुछ डेंजरस ट्रीज पाए गए हैं जो हो सकता है कि बरसात की वजह से गिरे और असुविधा हो, तो उनको हम जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रस्तुत करता है अन्य यूनिवर्सिटी हिमाचल की आवाज 2024 जूनियर और सीनियर कैटेगरी सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। प्रदेश भर में होंगे ऑडिशंस, विजेताओं को मिलेंगे नगद पुरस्कार। आज ही रजिस्टर करने के लिए लॉगिन करें www.divyahimachal.com पर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज का पेज। डलहौजी के गांधी चौक सुभाष चौक सड़क मार्ग पर सुबह सवेरे भारी बारिश से सर्किट हाउस के समीप एक विशाल ओक ट्री गिरने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। घटना के समय किसी तरह की आवाजाही नहीं होने के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई, जबकि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पेड़ ही पेड़ होने के कारण सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद उपाध्यक्ष, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जय मौके पर पहुंचे। नगर परिषद के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12:30 बजे मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। कल रात भारी बरसात की वजह से ये सर्किट हाउस के पास एक काफ़ी बड़ा पेड़ था, ग्रीन था, तो ये गिर गया है और उसके साथ ही 2-3 छोटे पेड़ भी गिरे हैं। और अभी सुबह से नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पे, ये इस वजह से हमारी रोड भी ब्लॉक है, तो हम लोग लगे हुए हैं। पहले तो रोड क्लियर करेंगे और साथ ही और भी कुछ डेंजरस ट्रीज पाए गए हैं जो हो सकता है कि बरसात की वजह से गिरे और असुविधा हो, तो उनको हम जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।